अस्सलाम वालेकुम, आजकल आप देख रहे होंगे FM लॉग। हाँ तो जी यार, हम लोग एक मंडी गए थे, वो लगती है FB एरिया बोले तो फेडल भी एरिया। यार कोई गार्डन है वहाँ पे, ये ना मंडी लग गई है। हम लोग ऐसे ही बस वहाँ गए देखने के लिए। सौदे बनाए नहीं हम लोग ने, क्योंकि वो बनाने के मूड में ही नहीं थे व्यापारी। 6-7 गए हमें अच्छी लगी, 3.5-3.5 सबके ऐसे ही रेट थे। तो हमने जो है एक गाय के 2 लगा दिए, थोड़ी बहुत एक 2-3 गाय के 2 लाख, पूरे 2 लाख लगा दिए। तो वो अफगानी थे, तो वो तो बात ही करने के मूड में नहीं, वो जैसे ही हमने बोला वो चले गए भाई। और एक के मांग रहे थे 1.30, तो हमने जो है उसकी बात नहीं की। वैसे हम कर तो लेते, लेकिन हमने की नहीं, क्योंकि जैसे उसने हमने रेट पूछे ना, दाम पूछा, हमने क्या रेट बोल रहे हो भाई, उससे बोला 1.30, हमने फिर कुछ बोला नहीं उस। हमने फिर बाद में दांत पूछे ना, तो बोला 4, और हमें जो है ना 4 दांत वाला कोई जानवर नहीं चाहिए, हमें जो है 2 दांत वाला जानवर चाहिए। और बाद में ना वो बछड़ा था, हमें बछड़ा चाहिए नहीं, बछड़ी चाहिए। अगर कोई मसला उसला होगा वो होता है, अगर बछड़ी ज़्यादा नहीं मिल रही हमें इतनी रेंज में, जो मैंने आपको रेंज अपनी पिछले ब्लॉग में बताई थी, अगर उतनी रेंज में हमें नहीं मिल रही बछड़ा मिल रहा है, तो हम बछड़ा ले लेते हैं। लेकिन अभी तो टाइम है, तो हमें अभी बछड़ा नहीं चाहिए, अभी हमें बछड़ी चाहिए। लेकिन वो 4 दांत की अगर 2 दांत होती ना, तो उसका सौदा बना लेते। वैसे मैं जो है इंट्रो बाद में शूट कर रहा हूँ, इंट्रो बाद में बना रहा हूँ, क्योंकि जो है ना हमारा फ़ौरन प्लान बन गया जाने का, मुझे पता भी नहीं था। रात में ना कुछ अब्बू के दोस्त और आए थे, 1-2 दोस्त आए थे, उन्होंने ना ऐसे ही आए थे, मतलब उन्होंने हमें बोला, अब्बू को बोला कि ना चलते, तो सो हमारा प्लान बना। मैं फ़ौरन भागते भागते गाड़ी में गया, और इंट्रो शूट करने का टाइम ही नहीं मिला, तो उसकी वजह से इंट्रो जो है मैं बाद में बना रहा हूँ। तो अब जो है आप लोग जाएं और देखें हमारे जो हमने सौदा जो किया है, मतलब किया है लेकिन लोग ने बनाया ही नहीं, हमारी क्या गलती। साथ साथ आप घर के काम भी देखें भाई, क्योंकि घर में काम हो रहा है, पेंट और का तकरीबन जो है ना एक फ्लैट पूरा हो गया है, बस दरवाजे एक हाथ और लगेगा पेंट का, और बाकी दूसरा जो फ्लैट है उसका भी, उसके भी 2 रूम हो गए और लाउंज भी कॉमन भी हो गया, एक रूम उसका रहता है, वही आपको दिखा दूंगा भाई। अभी यहाँ हम आए हैं, कोई मंडी है यहाँ पे मवेशी मंडी के नाम से, यहाँ पे भी रेट तो बहुत ही है, लेकिन देखते हैं कुछ बनेगा तो फिर लेंगे। 3.5 मांगते हैं इसके, यहाँ के भी रेट पूछे, लेकिन यहाँ के भी थोड़े से ना महंगे महंगे रेट है भाई। इसके भी 3.5 मांग रहे हैं। अच्छी है मंडी, बड़ी है यार, देखते हैं बनाते हैं कुछ। चार मंडी है, ज्यादा है ये, 2.80 बोल रहे हैं, इसकी अच्छी है ये, नाइफ वेट ज्यादा है, 2 दांत नहीं है भाई। 3.5 मॉडल है, इसके मांग रहे 1.70। साथ साथ आप घर के काम भी देखें भाई, क्योंकि घर में काम हो रहा है, पेंट और का तकरीबन जो है ना एक फ्लैट पूरा हो गया है, बस दरवाजे एक हाथ और लगेगा पेंट का, और बाकी दूसरा जो फ्लैट है उसका भी, उसके भी 2 रूम हो गए और लाउंज भी कॉमन भी हो गया, एक रूम उसका रहता है, वही आपको दिखा दूंगा। तो चलें अब ये देखें भाई, सब पेंट की बाल्टी और एक रूम में पड़ी हुई है। एक ये वाला रूम जो है ये पूरा पेंट हो गया, ऊपर से भी देखें भाई पूरा पेंट हो गया है, और ये जो शीट है ये भी हमने ब्राउन वाली लगाई है, पहले जो लगी हुई थी वो वाइट थी। चले अब दूसरा रूम आपको दिखाता हूँ। बाय द वे मेरे अपार्टमेंट में जो है 4 गायें भी आ गई हैं। एक ये वाला रूम हो गया है भाई, ये कॉमन हो गया है, 2 रूम एक कॉमन, और अब एक और रूम है वो भी हो गया है, एक फ्लैट का वो भी दिखाता हूँ आपको। ये एक रूम हो गया है भाई, इसकी लाइट नहीं जलाई, लाइट जला लेता हूँ।
भाई ये अब आ गए हम दूसरे फ्लैट में और यहाँ का भी एक रूम ये हो गया है। और ये जो आप देख रहे हैं इतना सारा सामान, ये जिस रूम में भी पेंट होगा उस रूम का सारा सामान यहाँ पे हमने रख दिया, शिफ्ट कर दिया। ये है दूसरे फ्लैट का कॉमन। भाई ये है जिस रूम में अभी आज कल तक कलर होना शुरू होगा। और इस फ्लैट में एक रूम मैंने आपको दिखा दिया, एक कॉमन दिखा दिया, और ये एक रूम है ये अभी होगा मतलब कलर अभी कल शुरू होगा। और एक और रूम है वहाँ हो गया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। भाई ये दरवाजे, ये कल एक हाथ लग गया था और अभी एक और हाथ लग गया, इसमें हम करवा रहे हैं वाइट पेंट। और बाकी घर में जो है लेवेंडर वाइट और छत पे वाइट। तो भाई ये काम हो रहे हैं घर में। और ये जो है थोड़ा सा ही अब काम रहता है, सब दरवाज़ों पे होगा कलर और एक रूम रहता है जो कलर होना है। बस ये तकरीबन अब जो है इंशाल्लाह एक दो दिन में जो है ना पूरा घर हमारा कंप्लीट होगा। और तीन चार दिन में पूरा सब कुछ हम जो है ना सब कुछ सेटिंग और कर देंगे, जहाँ पे जो चीज़ थी वहाँ सब रख देंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।